2024 का एक वीक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके रेजोल्यूशंस ने अब तक दम नहीं तोड़ा होगा। वेल, आपके रेजोल्यूशंस तो पता नहीं, बट इसरो ने 1 जनवरी को 2024 में अपना पहला मिशन लॉन्च किया था। ये ऑलमोस्ट सिंबॉलिक था कि 2024 में इसरो का रॉकेट नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसरो के मिशंस की न्यूज पढ़ते वक्त क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कितने छोटे बड़े कंपनीज ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा? आज मैं आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताऊंगी जो इसरो को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैं बात कर रही हूँ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड की, जो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। आज के वीडियो में आपको ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बिजनेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स, और इससे आईपीओ से जुड़ी भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के आइए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के आईपीओ डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो कंपनी सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का आईपीओ 9 जनवरी ट्यूसडे से ओपन होगा और आप इस आईपीओ के लिए 11 जनवरी थर्सडे तक बिड कर सकते हैं। ये आईपीओ टोटल 1000 करोड़ रुपीज का होगा और ये एंटायरली फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं एलोकेट किया गया है। आईपीओ से रेज किए गए पैसों को ज्योति सीएनसी 3 कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। 475 करोड़ रुपीज कंपनी डेट रीपेमेंट या प्री पेमेंट के लिए यूज करेगी। 360 करोड़ रुपीज अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एलोकेट किया जाएगा और बाकी बचे हुए पैसों को कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होने वाले खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगी। रिपोर्ट्स की माने तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी 150 रुपीज है, यानी ग्रे मार्केट में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का शेयर प्राइस 45.32% के प्रीमियम के साथ 481 रुपीज पर यूनिट के रेट पे सेल हो रहा है। इन्वेस्टर्स ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के शेयर्स के लिए अच्छा खासा प्रीमियम देने को तैयार हैं। ये सुनकर आप इसके बिजनेस के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। तो आइए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का इन डेप्थ बिजनेस ओवरव्यू डिस्कस करें। बिजनेस ओवरव्यू को एक्सप्लोर करने से पहले समझते हैं कि कंपनी के नाम के पीछे ये सीएनसी टर्म क्या है। हमारे डे टू डे लाइफ में मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट्स या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन वो मशीन्स कौन से हैं जो डेली लाइफ में यूज होने वाले मशीन्स को बनाते हैं? उनका नाम है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि सीएनसी मशीन्स। सीएनसी मशीन्स को मटेरियल्स के हाई एक्यूरेसी से कट, शेप और असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है। 1991 में इनकॉर्पोरेट की गई ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड इन मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स या सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। एज ऑफ 2023 इस कंपनी का इंडियन सीएनसी मार्केट में 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। ज्योति सीएनसी एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो एंड ऑटो components, general engineering, dies and molds और EMS जैसी industries के लिए CNC machines manufacture करती है, वो भी 200 तरीके के CNC machines। इनकी manufacturing portfolio में CNC turning centers, CNC turn mill centers, CNC vertical machining centers and CNC horizontal machining centers जैसे products शामिल हैं। ऐसे advanced machines देखकर आप सोच रहे होंगे कि ज्योति सीएनसी ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ मैन्युफैक्चर करती है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 राजकोट गुजरात में और 1 स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। ज्योति सीएनसी इसरो, HAL, इंडियन रेलवेज, हैवल्स और हिंडालको जैसी कई बड़े क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड मेनली 5 इंडस्ट्रीज में अपनी मशीन सेल करती है। पहला सेक्टर है एरोस्पेस एंड डिफेंस, जिसे फिस्कल ईयर 2023 में ज्योति सीएनसी ने टोटल 173 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि उनके रेवेन्यू का 20.32% है। दूसरे नंबर पे है ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि रेवेन्यू के मामले में ज्योति सीएनसी का सबसे बड़ा सेगमेंट है। 2023 में इस सेक्टर से ज्योति सीएनसी ने अपने रेवेन्यू का 46.68% यानी कि 397 करोड़ रुपीज कमाए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री,
इस सेक्टर से ज्योति सीएनसी ने फिस्कल ईयर 2023 में 19.58% रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि 166 करोड़ रुपीस कमाए। चौथे नंबर पे आता है डाइज एंड मोल्ड सेक्टर। इस इंडस्ट्री से ज्योति सीएनसी ने 2023 में टोटल 8.99% यानी कि 76 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया। ज्योति सीएनसी के रेवेन्यू सेगमेंट का आखिरी सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ईएमएस। इस सेक्टर ने 2023 में ज्योति सीएनसी के रेवेन्यू में 0.02% कंट्रीब्यूट किया। बाकी बचा 4.41% रेवेन्यू यानी कि 37 करोड़ रुपीस ज्योति सीएनसी के दूसरे सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर, डायमंड एंड ज्वेलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एटसेट्रा से आता है। रेवेन्यू की बात कर ही रहे हैं तो ग्लोबल रेवेन्यू भी डिस्कस करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम ज्योति सीएनसी के इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर उड़ने वाले हैं। फिस्कल ईयर 2021 से लेके सितंबर 30th 2023 तक ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दूसरे रीजन्स में सप्लाई करता है। इंडिया को एक्सक्लूड कर दूं तो ज्योति सीएनसी ने टोटल 16 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं। ज्योति सीएनसी का सबसे बड़ा रेवेन्यू चंक यानी कि 87.22% इंडियन मार्केट से आया है। रेवेन्यू के मामले में दूसरे नंबर पे है एशिया, जहां से ज्योति सीएनसी ने 7.05% रेवेन्यू जनरेट किया है। इसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। तीसरे नंबर पे है यूरोप, जिसने ज्योति सीएनसी के रेवेन्यू में 4.91% कंट्रीब्यूट किया है। चौथे प्लेस पे है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, जहां से ज्योति सीएनसी ने 0.75% रेवेन्यू जनरेट किया है। ज्योति सीएनसी का बाकी बचा 0.08% रेवेन्यू शेयर दूसरे इंटरनेशनल मार्केट से आता है। आप में से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे आईपीओ वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि अगला सेक्शन क्या होने वाला है। जी हाँ, अब हम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। फाइनेंशियल ईयर 23 में ज्योति सीएनसी का इंडियन सीएनसी मार्केट में 10% मार्केट शेयर यानी कि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर था। 2022 में ज्योति सीएनसी ने ग्लोबल सीएनसी मार्केट का 0.4% कैप्चर किया है, जिससे जीसीएएल 12th लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर बन जाता है। इससे एक बात साबित होती है कि ज्योति सीएनसी वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग सीएनसी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। वीकनेसेस की बात करूं तो ज्योति सीएनसी का सबसे बड़ा चैलेंज है उसके डेट्स। As of 30th September 2023, ज्योति सीएनसी का टोटल आउटस्टैंडिंग इंडेबटेडनेस है 976 करोड़ रुपीस। अगर ज्योति सीएनसी अपने कैश फ्लो का मेजर पोर्शन डेट रिपेमेंट के लिए यूज करती है तो उनको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। अगर कंपनी रिपेमेंट में डिले या डिफॉल्ट करती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रिपेमेंट के मामले में इस कंपनी का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। ज्योति सीएनसी में पहले भी लोन रिपेमेंट में डिलेज किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 10.17 था। अगर हम 30th of September 2023 तक के 6 मंथ्स की बात करें तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो उस पीरियड के लिए 3.25 था। ज्योति सीएनसी अपने डेट ऑब्लिगेशंस को कैसे हैंडल करती है ये डिसाइड करेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होगी या नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, पीयर वैल्यूएशन। न्यू ईयर्स ईव पे आपने काफी शॉपिंग की होगी, राइट? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने जो भी गैजेट्स बाय किए हैं उसको उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करने के बाद ही आपने उनको बाय किया होगा। गैजेट्स बाय करना हो या आईपीओ में अप्लाई करना हो, हम इंडियंस कंपेटिटर एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। आइए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन को उसके इंडस्ट्री पीयर्स एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड और लक्ष्मी मशीन वर्क से कंपेयर करते हैं। इस कंपेटिटर एनालिसिस टेबल पे आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की टोटल इनकम उसके दोनों कंपेटिटर्स से काफी कम है। वहीं ज्योति सीएनसी का डेट टू इक्विटी रेशियो और पीई रेशियो एलगी इक्विपमेंट्स और लक्ष्मी मशीन वर्क्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आपने इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अगले सेक्शन में चलें। आइए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ये जो फिगर्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो उसमें हमें एक कंसिस्टेंट राइज देखने को मिल रहा है। 580 करोड़ से ये फिगर बढ़ के 746 करोड़ पे आ गया, फिर ये फर्दर 929 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पहले दो सालों में हमको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। 71 करोड़ से फिगर
ईयर कम होके 48 करोड़ पे आ गया और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 23 में 15 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। बात करें इम्पोर्टेंट मार्जिन की, तो एबिटडा मार्जिन है 10.48%, पैट मार्जिन है 1.58%, कंपनी का पीई है 324.5 पे जबकि इंडस्ट्री का पीई 38.9 पे है। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 10.17, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। आरओसीई है 9.5% पे। टू ईयर सेल्स सीएजीआर फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच है 26.56%। हम पैट सीएजीआर नहीं कैलकुलेट कर पाए हैं बिकॉज कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में लॉसेस सफर किए हैं। बात करें आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 9th ऑफ जनवरी 2024 को, क्लोज हो रहा है 11th ऑफ जनवरी को और इसकी लिस्टिंग डेट है 16th ऑफ जनवरी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 315 से 331 रुपीस का और लॉट साइज है 45 शेयर्स का। इसका टोटल इशू साइज है 1000 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ रिव्यू कम्प्लीट होता है। आईपीओ में अप्लाई करना या ना करना, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। बट यस, इन डेप्थ रिसर्च के बाद ही आपको डिसीजन लीजिएगा। आपको ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बारे में और रिसर्च करना है तो मैंने इसका आरएचपी और क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लें। जाने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इस वीडियो में दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिले इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.